महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस की तमाम उलझनों के बीच में शरद पवार सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है। शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात में कांग्रेस एनसीपी जो गठबंधन है उसको लेकर स्थिति साफ होती जा रही है। शिवसेना के साथ जाने के लिए कांग्रेस भी तैयार होती हुई दिख रही है। ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन इन दोनों का था और इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और शरद पवार का बयान कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर तमाम स्थिति का आकलन कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, सियासी हलचल तेज हो गई थी जब शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन अब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सैद्धांतिक तौर पर ये सहमति बन रही है। मोटे तौर पर जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी कांग्रेस साथ आ रहे हैं और इस बीच जब शरद पवार की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, माना गया कि किसानों की मुलाकात की आड़ में राजनीतिक मुलाकात है, इसके मायने ढूंढे गए, पड़ताल की गई, इसके बाद नई बहस छिड़ गई। हालांकि कांग्रेस सूत्रों ने यह साफ किया, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जाहिर किया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात पवार की जो हुई है वो गलत टाइमिंग पर हुई है, यानी इस टाइमिंग पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। लेकिन ये भी साफ कर दिया कि अगर गैर बीजेपी सरकार जो बनने जा रही है महाराष्ट्र में, वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक बन जाने की पूरी संभावना है। अगर शिवसेना कोई सांप्रदायिक एजेंडा अपनाती है तो कांग्रेस सरकार से बाहर आ जाएगी। तो कांग्रेस के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि सैद्धांतिक तौर पर सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी सहमत है और दिसंबर के पहले हफ्ते में जो कि बातचीत चल रही है, कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों की बात करें, हुसैन दलवाई जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने जब बात की, हमने उनसे खास बात की, उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी। तो बड़ा बयान दिया है उन्होंने और ये कहा कि सरकार में शामिल होगी कांग्रेस। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टाइमिंग जो है पवार की पीएम से मिलने की, निश्चित तौर पर उनको सोचना चाहिए था और नहीं मिलना चाहिए था ऐसे वक्त जब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार बनाने की कवायद में जुटे हों। लेकिन शरद पवार ने जो पीएम से मुलाकात की थी उसके बाद उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की थी और ये कहा था कि राजनीतिक मायने ढूंढे गए, लिहाजा इस मुलाकात पर नई बहस छिड़ गई थी। अब ये जो नया घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं सूर्य इशारा कर रहा है कि सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस सरकार को सपोर्ट देगी, एनसीपी उसका गठजोड़ है। ऐसे में एनसीपी के पाले में गेंद उसने सरकार दी थी। अब जबकि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी उनके नेता बैठकर फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आगे की जो शिवसेना से बातचीत होनी है वो एनसीपी करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत करेगी और उस बातचीत का जो पूरी तरीके से सैद्धांतिक तौर पर सहमत किया कांग्रेस की ओर से एनसीपी शिवसेना की सरकार बनाएगी तो उसको समर्थन देगी और सरकार में शामिल होगी, खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब सरकार को लेकर जोर शोर से कवायद आगे बढ़ती नजर आएगी। जो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शरद पवार की नया चल लगाई जा रही थी उसके बाद इनके कांग्रेस ने नया विस्तार किया है। ये बताने की कोशिश की है कि सैद्धांतिक तौर पर नए गठबंधन को कांग्रेस की सहमति। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के।